हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आईएएस फर्स्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण एनवायरनमेंट कन्वेंशन डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूपीएससी में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि यूएनएफसीसी के दलों का जो 23वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था। हमारे ऑप्शंस हैं ए मोरक्को, बी जर्मनी, सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि जर्मनी। जो COP23 है वो जर्मनी में आयोजित किया गया था। तो जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के वैश्विक समझौतों को लागू करने के उद्देश्य से जर्मनी के शहर बॉन में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के दलों का 23वां सम्मेलन आयोजित किया गया। COP23 में जहाँ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी, वहीं कुछ वित्त पोषण और समीक्षा तंत्र से जुड़े अहम मुद्दों पर कुछ चिंताएं ज्यों की त्यों रही। COP23 में निम्नलिखित मुद्दों पर चिंताएं बनी हुई हैं और चर्चा हुई। तो इस सम्मेलन में विवाद के मुख्य विषय जो थे, वित्तीय सहायता, शमन कार्रवाई, विभेदीकरण और नुकसान एवं क्षतिपूर्ति से संबंधित थे। इस सम्मेलन में यह भी सवाल उठाया गया कि उपलब्ध कार्बन स्पेस के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके विकसित देश क्या गरीब और विकासशील देशों को सहायता देंगे। अमीर देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है और क्या कोयले का उपयोग सीमित क्यों नहीं किया गया है। तो ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें छाए रहे। इसके साथ साथ इसमें कार्बन स्पेस की एक अवधारणा आई। तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज IPCC ने अपने 5वें आकलन रिपोर्ट में एक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बजट प्रकाशित किया था। यह बजट बताता है कि ग्लोबल वार्मिंग को औद्योगिक क्रांति से पहले के तापमान के मुकाबले अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस तक और इससे कम रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की सीमा क्या होनी चाहिए। इस बजट के अनुसार इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु औद्योगिक क्रांति के उत्तरार्ध के समय से लेकर वर्ष 2100 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की सीमा 2900 गीगाटन होनी चाहिए। 2011 तक विश्व में 1900 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो चुकी है। इसका अर्थ है कि वर्ष 2011 और 2100 तक के बीच अब केवल 1000 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड का ही उत्सर्जन संभव है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की 2900 गीगाटन की यह सीमा ही कार्बन स्पेस है। इसे कार्बन बजट के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनकुन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना कैनकुन समझौते के तहत वित्तीय तंत्र की परिचालन संस्था के रूप में की गई। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो हमारी सही है। सेकंड है, जलवायु तकनीकी केंद्र एवं नेटवर्क कैनकुन में आयोजित COP16 द्वारा स्थापित UNFCCC तकनीकी तंत्र का एक परिचालन तंत्र है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो वो भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, CTCN की मेज़बानी UNDP एवं UNIDO द्वारा की जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो वो गलत है। तो इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि केवल फर्स्ट और सेकंड के दो ही स्टेटमेंट सही हैं। तो जलवायु तकनीकी केंद्र एवं नेटवर्क यानी कि CTCN कानकुन में आयोजित COP16 अधिवेशन द्वारा स्थापित किया गया UNFCCC तकनीकी तंत्र का एक परिचालन तंत्र है जिसकी मेज़बानी UNDP के द्वारा नहीं बल्कि UNEP एवं UNIDO द्वारा की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2013 ग्रीन क्लाइमेट फंड का मुख्यालय सोंगडो को बनाया गया है। सेकंड है, ग्रीन क्लाइमेट फंड की वास्तविक स्थापना दोहा सम्मेलन 2012 द्वारा की गई। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से केवल फर्स्ट कथन ही सही है, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। तो कानकुन के अंतर्गत प्रावधित ग्रीन क्लाइमेट फंड की वास्तविक स्थापना जो है डर्बन सम्मेलन 2011 द्वारा की गई, ना कि दोहा सम्मेलन के द्वारा। इसी दौरान ग्रीन क्लाइमेट फंड निर्माण कार्य में प्रगति हेतु एक प्रबंधन ढांचे को भी अपनाया गया। ग्रीन क्लाइमेट फंड संस्था का मुख्यालय 2013 में दक्षिण कोरिया के इंचियान शहर के सोंगडो जिले में बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड प्लस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
हमारा पहला कथन है रेड प्लस UNFCCC के अंतर्गत परिभाषित एक तंत्र है जो विकासशील देशों को निवरणीकरण एवं वन निम्नकरण में कमी द्वारा उनके उत्सर्जन कटौती के लिए पुरस्कृत करता है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो सही है। सेकंड है रेड प्लस पहलों में शामिल वन कार्बन भागीदारी सुविधा तथा वन निवेश कार्यक्रम की मेजबानी UNDP द्वारा की जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि केवल फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है। तो रेड प्लस पहलों में शामिल वन कार्बन भागीदारी सुविधा तथा वन निवेश कार्यक्रमों की मेजबानी वर्ल्ड बैंक द्वारा की जा रही है ना कि UNDP द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेड प्लस सिर्फ विकासशील देशों द्वारा उनके वन संसाधनों के बेहतर प्रबंधन एवं बचाव करने हेतु प्रोत्साहन राशि देने तक सीमित है। तो पहला जो कथन है वो गलत है। सेकंड है भारत ने 2011 में INCCA यानी कि इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट का प्रकाशन किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट जो हमारी सही है। तो इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि केवल सेकंड स्टेटमेंट ही सही है। तो रेड प्लस न सिर्फ निवरणीकरण एवं वन निम्नीकरण के मामलों को देखता है बल्कि वनों के संरक्षण संपोषणीय प्रबंधन एवं वन कार्बन भंडार के सकारात्मक तत्व हेतु प्रोत्साहन राशि देता है। रेड सिर्फ विकासशील देशों द्वारा उनके वन संसाधनों के बेहतर प्रबंधन एवं बचाव हेतु प्रोत्साहन राशि देने तक ही सीमित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है वैश्विक पर्यावरण सुविधा को 1991 में वर्ल्ड बैंक के एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाया गया। तो पहला जो कथन है वो हमारा सही है। सेकंड है GEF औपचारिक रूप से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो हमारी गलत है। थर्ड है GEF जैव विविधता सम्मेलन UNFCCC पॉप्स UNCCD तथा मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी को वित्तीय तंत्र प्रदान करता है। तो थर्ड जो स्टेटमेंट है वो हमारी सही है। तो इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड जो है सही हैं जबकि सेकंड जो स्टेटमेंट वो गलत है। तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा को 1991 में वर्ल्ड बैंक द्वारा $1 अरब के एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण में सहायता एवं पर्यावरणीय संपोषणीय विकास को बढ़ावा देने हेतु लाया गया था। GEF औपचारिक रूप से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ नहीं है परंतु यह उन देशों जिनकी अर्थव्यवस्था संक्रमण में है के प्रोटोकॉल लक्ष्य क्रियान्वयन को समर्थन प्रदान करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। GEF की शुरुआत और क्रियान्वयन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम UNEP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और विश्व बैंक द्वारा प्रारंभिक सहयोगी के तौर पर किया गया था। सेकंड है विशिष्ट जलवायु परिवर्तन फंड एक स्वैच्छिक निधि है तथा यह एक जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का वित्त पोषण में पूरक का कार्य करता है। थर्ड है कॉप 20 अधिवेशन पेरू के नाजका में 2016 में संपन्न हुआ था। तो इनमें से कौन से कथन जो सही नहीं है। तो इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि जो थर्ड कथन है वो सही नहीं है जबकि फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही है। तो कॉप 20 अधिवेशन जो पेरू के लीमा में 2014 में संपन्न हुआ लीमा कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन के साथ विश्व ने एक सार्वभौमिक जलवायु समझौते की ओर कदम बढ़ाया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉप 21 वर्ष 2020 से पहले की अवधि हेतु जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्य करने के लिए योजना प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वर्तमान में हरित जलवायु कोष सबसे बड़ी जलवायु निधि है। थर्ड है INDC यानी कि इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन देशों की स्वैच्छिक कटौती पर आधारित है। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि सेकंड और जो थर्ड स्टेटमेंट वो सही है जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो जलवायु परिवर्तन पर कॉप 21 दिसंबर 2015 में पेरिस में संपन्न हुआ। कॉप 21 विश्व के सभी राष्ट्रों के लिए 2020 के बाद की अवधि हेतु जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्य करने के लिए योजना प्रस्तुत करता है। वर्तमान में हरित जलवायु कोष यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड $10.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के साथ सबसे बड़ी जलवायु निधि है।
INDC विभिन्न देशों की सरकारों की एक विस्तृत योजना है जिसमें सरकारों द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उठाए जाने वाले ऐच्छिक कार्यों के संदर्भ में UNFCCC को जानकारी दी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु तथा जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मिशन इनोवेशन की शुरुआत की गई। सेकंड है, 2016 के मराका सम्मेलन में पेरिस संधि का आधिकारिक प्रारूप प्रस्तुत किया गया, तो इनमें से कौन से कथन सही नहीं है? तो जो पहला कथन है वो सही नहीं है। जबकि जो सेकंड कथन है वो सही है, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि केवल फर्स्ट। मिशन इनोवेशन का शुभारंभ स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता के उद्देश्य से विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा मिलकर किया गया था। इसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया एवं ब्राजील शामिल हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पादन उपलब्धि और व्यापार यानी कि परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड पैट स्कीम को 2009 में राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा मिशन के तहत शुरू किया गया। सेकंड है, जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि को नाबार्ड के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया। थर्ड है, Rio+20 का केंद्रीय थीम स्वच्छ ऊर्जा थी। फोर्थ है, हरित अर्थव्यवस्था पहल की स्थापना UNDP द्वारा 2008 में न्यूयॉर्क में की गई थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? तो इनमें से हमारा केवल सेकंड जो स्टेटमेंट वो ही सही है, जबकि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो गलत है। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट थ्री एंड फोर्थ जो है गलत है। तो निष्पादन उपलब्धि और व्यापार स्कीम को 2008 में राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा मिशन के तहत शुरू किया गया था। Rio+20 का केंद्रीय थीम हरित अर्थव्यवस्था थी, ना कि स्वच्छ ऊर्जा। हरित अर्थव्यवस्था पहल की स्थापना UNEP द्वारा 2008 में लंदन में की गई। इसका वित्तीयन यूरोपीय कमीशन, जर्मनी तथा नॉर्वे द्वारा किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित लेखांकन राष्ट्रीय आय के आंकलन की एक ऐसी विधि है जिसमें राष्ट्रीय उत्पादन की अभिवृद्धि में प्रयुक्त हुए प्रकृति प्रदत्त संसाधनों की अपक्षय लागतों को राष्ट्रीय उत्पाद में जोड़ा जाता है। सेकंड है, कार्बन फुटप्रिंट से तात्पर्य किसी संस्था, व्यक्ति, उत्पाद द्वारा किए जाने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन से है। थर्ड है, पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता कार्बन स्पेस कहलाती है। फोर्थ है, कार्बन फुटप्रिंट इकोलॉजिकली फुटप्रिंट का ही एक अंश है। तो हमें बताना इनमें से कौन से कथन सही नहीं है। इसमें से जो फर्स्ट कथन है वो गलत है, बाकी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ वो सही है। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि केवल फर्स्ट कथन ही गलत है। तो हरित लेखांकन राष्ट्रीय आय के आंकलन की एक ऐसी विधि है जिसमें राष्ट्रीय उत्पादन की अभिवृद्धि में प्रयुक्त हुए प्राकृतिक प्रदत्त संसाधनों की अपक्षय लागतों को राष्ट्रीय उत्पाद में से घटाया जाता है, ना कि इसमें जोड़ा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से लाल पांडा के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? हमारे ऑप्शन हैं, ए उत्तर पश्चिमी भारत के रेतीले मरुस्थल में, बी जम्मू कश्मीर के उच्चतर हिमालय क्षेत्र में, सी सिक्किम, आसाम व उत्तरी अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में, या फिर डी पश्चिमी घाट में। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि लाल पांडा के सबसे अधिक पाने की संभावना है सिक्किम, असम व उत्तरी अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में। तो लाल पांडा भारत के सिक्किम, आसाम, उत्तरी अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत के अलावा ये उत्तरी म्यांमार, चीन और नेपाल के कुछ भागों में पाए जाते हैं। IUCN की रेड डाटा बुक में इन्हें संकटग्रस्त की सूची में रखा गया है। ये अपना अधिकांश भोजन बांस के वृक्षों से प्राप्त करते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाई दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।